गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 4 पेज नंबर 19। ऑल ऑफ यू कैन ओपन योर बुक चैप्टर 4 पेज नंबर 19। ओके, आवर एनवायरमेंट इज द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारा एनवायरमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द वर्ल्ड मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हमारे आसपास का माहौल। हम आवर एनवायरमेंट इज द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आसपास का माहौल, जो हमारी दुनिया के आसपास का हमारे माहौल होता है, उसे कहते हैं एनवायरमेंट। इट इज़ वेयर वी लिव। ये वो होता है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ हम, वेयर वी गो, जहाँ हम जाते हैं स्कूल या काम करने की जगह। इट इज़ एवरीथिंग वी सी। वो हर वो चीज़ जहाँ पे हम एक आसपास, हम अपने आसपास देखते हैं, अपने आसपास की चीज़ें हम छूते हैं। लुक अराउंड योरसेल्फ, अपने आसपास देखिए। व्हेन यू आर इन योर हाउस, जब हम अपने घर पे होते हैं, स्कूल में होते हैं या पार्क में होते हैं। ऑल दोज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हर वो चीज़ लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे आसपास होता है, जिसमें घर होते हैं, बिल्डिंग होती है, पीपल होते हैं, एनिमल्स, लैंड, एयर, वाटर एंड लाइट, और ये सब मिलके हमको बनाते हैं एनवायरमेंट। डू यू नो डैट वी गेट फोर आवर ऑफ आवर बेसिक। हम लोग को, आपको पता है कि हम लोग को चार आवर बेसिक नीड्स होते हैं एनवायरमेंट की। क्या? ऑक्सीजन, जो हमें हवा में मिलता है। वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, हमें पानी मिलता है बारिश से, जो कि फ्लो होता है इनटू लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में। वी गेट फूड, हमें खाना मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स से। वी मेक शेल्टर, हम छांव बनाते हैं वुड या वुड से। डैट वी गेट फ्रॉम द ट्रीज, जो हमें पेड़ों से मिलती है। अवर एनवायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा एनवायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड देयरफॉर वी शुड कीप अवर एनवायरमेंट क्लीन, और इसलिए हमें अपना सराउंडिंग्स को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में वी डोंट डू सो, हम ऐसा नहीं करते हैं। वी इन फैक्ट वी मेक अवर एनवायरमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो अपने आसपास की जगह को गंदा करके रखते हैं और अनहेल्दी करके रखते हैं। वी थ्रो वेस्ट लाइक एम्प्टी पैकेट्स, हम वेस्ट जो है, जैसे खाली पैकेट, कुरकुरों का खाली पैकेट, चिप्स का खाली पैकेट, प्लास्टिक बैग्स, पेंसिल की शेविंग्स, जब हम पेंसिल शार्प करते हैं, या कैंस, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कैंस में, वो फेंक देते हैं इधर उधर। देयर आर वेस्ट, वो ये वेस्ट जो मिट्टी में दब जाते हैं। बट दोज वेस्ट, लेकिन वो वेस्ट जो होते हैं, जो डू नॉट डिके, जो मिट्टी में नहीं दबते हैं और पॉल्यूशन में जाके मिल जाते हैं, वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। हवा में गंदगी इधर उधर उड़ जाते, वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। हवा में गंदगी इधर उधर उड़ जाते हैं। पॉल्यूशन मीन्स डेट समथिंग हैज बीन मेड इम्प्योर और डर्टी। पॉल्यूशन का मतलब होता है जो कुछ इम्प्योर बना रहा है, हवा को गंदा कर रहा है या खराब कर रहा है, डर्टी। अब बच्चों, यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप लोग उस पर टिक मार लीजिए सही आंसर पे। वेस्ट डेट डू नॉट डिके कॉज, वो वेस्ट जो मिट्टी में नहीं दबता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या कॉज करता है? बी, आप बी पे टिक मार लीजिए, पॉल्यूशन पे, ऑल ऑफ यू। ओके, अब एयर पोल्यूशन क्या होता है? व्हेन हार्मफुल गैसेस, जब जो गैसेस जो हमको दिक्कत देती हैं, वो जाके हवा के साथ मिक्स हो जाती हैं, पार्टिकल्स के संग, वो तब एयर पोल्यूशन कॉज होता है। डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल, और कई सारी लोगों की एक्टिविटीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एयर पोल्यूशन में को बनाने में, जैसे स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, जो धुआं आता है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से, वो हवा में जाके मिलती हैं, उस हवा में हम सांस लेते हैं, तो वो धुआं हमारे जाता है बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स को ख़राब करता है। फ्यूम्स एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स, और जो व्हीकल्स से धुआं निकलता है, जैसे कि बसेस, ट्रक्स, कार्स, टैक्सीज, बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, जब हम पटाखे दिवाली पे चलाते हैं तो उसका धुआं एयर में मिलता है, वो हमारे लिए बैड है। पॉल्यूटेड एयर इज बैड फॉर ऑल, हर लिविंग थिंग्स के लिए, ये गंदी हवा जो है वो खराब है, चाहे एनिमल्स हो चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो। इट कॉजेज एलर्जीज, वो हमको एलर्जीज, हमारे अंदर एलर्जी पैदा कर सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रैशेज हो सकते हैं ड्यू टू डर्टी एयर, और इस गंदी हवा के कारण। प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस, जो प्लांट्स और ट्रीज हमारे आस पास हैं, वो खाना नहीं बना पाते हैं सही तरीके से, और ये जो है वो ग्रोथ को
नहीं बढ़ने देता है ना वाटर पोल्यूशन, हार्मफुल थिंग्स दैट आर रिलीज, जो हार्मफुल थिंग्स होती हैं जो रिलीज होती हैं पानी में उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। हाउ डज वाटर पोल्यूटेड, वाटर कैसे पोल्यूट होता है, कैसे गंदी पानी गंदा होता है, हम उसमें नहा रहे हैं, वॉशिंग क्लोथ्स अपने कपड़े भी धो रहे हैं, यूटेंसिल्स धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, और वाटर बॉडीज में से जैसे कि रिवर लेक्स या वेल्स में बाथिंग एनिमल्स को भी वहीं नहला रहे हैं, पॉन्ड्स रिवर्स में डंपिंग हाउस होल्ड वेस्ट, और जो घर की गंदगी है वो भी उसी में जा रही है, फैक्ट्री की इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उसी में जा रही है, तो ये सब वाटर वो पानी को गंदा कर रहे हैं। पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज इन्फेक्शंस, और ये पानी को पानी जो है इससे हमें बीमारी फैलती है। सम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इन लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट द वाटर बॉर्न डिजीज। नाउ वाटर बॉर्न डिजीजेस जिससे पानी के द्वारा हमें डिजीज होते हैं, टाइफाइड एंड जॉइंटिस, गंदे पानी से होते हैं। नाउ लैंड पॉल्यूशन, लैंड एंड सॉयल ऑल्सो गेट पॉल्यूटेड, लैंड और सॉयल भी पॉल्यूट होते हैं अगर हमारी केयरलेसनेस से। जैसे कैसे होते हैं, हम गार्बेज गंदगी फेंकते हैं हवा ऐसे ही फेंक देते हैं, और वो हवा से उड़ के इधर उधर फैलते हैं, ओपन एरिया में फेंकते हैं। यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर, किसान जो है वो हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पॉलीथीन बैग्स हम लोग यूज करते हैं और उसको फेंकते हैं, एंड प्लास्टिक आइटम्स इन द ओपन एयर में फेंकते हैं, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज में भी हमारा जो वेस्ट निकलता है उसे फेंकते हैं। द पॉल्यूशन ऑफ लैंड एंड और सॉयल, जो लैंड और सॉयल का पॉल्यूशन होता है मेक्स द सॉयल इनफर्टाइल, और वो सॉयल को इनफर्टाइल कर देता है, उस पर हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉयल और वहां पे जो कीड़े रहते हैं वो उनको भी हार्म पहुंचता है। नाउ नॉइज पोल्यूशन, वी हियर सो मेनी साउंड्स एवरी डे, हर दिन हम साउंड सुनते हैं, सम आर प्लेजेंट दैट डू नॉट डिस्टर्ब, कुछ तो बहुत अच्छी होती है साउंड जो हमें कानों को हमारे शोर नहीं करती है, डिस्टर्ब नहीं करती है, बट सम आर लाउड एंड शिल, पर कुछ साउंड जो होती है वो हमें बहुत ही लाउड हमारे कानों को चुभती है, वी कॉल देम नॉइज, और उसको हम शोर कहते हैं। टू मच नॉइज कॉजेज नॉइज पोल्यूशन, और ज्यादा नॉइज हमको नॉइज पोल्यूशन कॉज होती है। दीज अफेक्ट अवर ईयर्स, जो हमारे कानों को चुभती है, एंड इवन मेक अस डेफ, और हमें बहरा भी बनाती है। व्हाट कॉजेज नॉइज पोल्यूशन, और नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है, लिसनिंग लाउड म्यूजिक, जोर से म्यूजिक सुनना तेज आवाज में, हॉन्किंग व्हीकल्स, शोर मचाना, हर समय हॉर्न बजाते रहना व्हीकल्स में, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स जो है पटाखे बजाते रहना। नॉइज पॉल्यूशन डिस्टर्ब्स द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को नॉइज पॉल्यूशन डिस्टर्ब करता है, हर लिविंग एंड नॉन लिविंग को। इट कॉजेज इरिटेशन, सॉरी लिविंग को, लिविंग बींग्स को डिस्टर्ब करता है। इट कॉजेज इरिटेशन, वो हमको चिड़चिड़ा बना देता है, लॉस ऑफ हियरिंग, हम सुनने में हमको मुश्किल होती है, इसलिए हम सो नहीं पाते हैं। वी ऑल शुड ट्राई टू डू अवर बिट, और हम लोग वी शुड ट्राई टू डू अवर बिट टू रिड्यूस नॉइज, और हम लोग अपनी कोशिश करते हैं कि हम नॉइज पोल्यूशन को अपनी कम कर सकें। अब एक यहाँ पे MCQ है, आप उसमें निशान लगा लीजिए सही आंसर पे। थ्रोइंग पॉलीथिन बैग्स एंड प्लास्टिक आइटम्स इन द ओपन कॉजेज, नंबर बी पे आप निशान लगाइए लैंड पॉल्यूशन। नाउ हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट, ग्रो मोर ट्रीज, वहाँ पे ज़्यादा ट्रीज उगानी चाहिए। थ्रो वेस्ट इन बीन्स, हमको जो वेस्ट है वो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, जैसे गीली जो वेस्ट है वो हमें गीले डस्टबिन में, और जो सूखा वेस्ट है वो हमें अलग डस्टबिन में। हमें पॉलीथीन बैग्स को नो कहना चाहिए, हमें उसकी जगह पेपर यूज़ करना चाहिए या क्लॉथ बैग यूज़ करना चाहिए, फायर क्रैकर्स नहीं बजानी चाहिए। वॉक या यूज़ अ साइकिल, छोटे छोटे डिस्टेंस के जाने के लिए हमें चल के जाना चाहिए या साइकिल यूज़ करें, जिससे कि हमारी व्हीकल से धुआं ना निकले, और धुआं नहीं निकलेगा वो एयर में पॉल्यूट नहीं होगा, एयर में जाके नहीं मिलेगा, तो हमें उससे भी बचना चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल यूज़ करना चाहिए ऑफिस पहुंचने के लिए। डू नॉट वेस्ट पेपर यूज़ नहीं करना चाहिए। ट्रीज आर कट टू मेक इट सेफ, पानी बचाना चाहिए। अगर हमें सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए तो हमें 3 RS का यूज़ करना चाहिए। रिसाइकिल मीन्स एक चीज़ को बना के दोबारा उस चीज़ को बनाना चाहिए, रिड्यूस थोड़ा बनाना चाहिए, कम बनाना,
रीयूज मीन्स एक बार यूज कर लिया एक पेपर को, दोबारा हमें उस पेपर को रीयूज कर लिया. इट इज द बेस्ट वे टू सेव द एनवायरमेंट, और ये बेस्ट वे होता है एनवायरमेंट को सेव करने का. तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दूंगी. टिल देन बाय.